बलौदाबाजार जिले की तीन विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के दशहरा मैदान पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 वर्षों में केवल सभी को ठगा है। सरकार में रहते हुए बीजेपी ने केवल बोनस की बात कही, लेकिन किसी भी किसान को कुछ दिया नहीं। बीजेपी ने चुनाव से पहले सबका राशन कार्ड बनवाया, फिर चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काट दिया। सीएम बघेल ने आम सभा के दौरान मतदाताओं से बलौदाबाजार विधानसभा से शैलेश त्रिवेदी, कसडोल विधानसभा से संदीप साहू और भाटापारा विधानसभा से इंद्र साब के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपने पुराने घर में वापस कर लिया। मूलतः मैं बचपन से ही जब छात्र संघ का अध्यक्ष था, NSOI के अध्यक्ष से लेके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके कांग्रेस का मीटिंग लेके अभी तक के बाहर था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि अपने घर में वापस कर लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की गरिमामय उपस्थिति में एक विशाल आम सभा दशहरा मैदान में हुई और उस आम सभा के बाद एक नामांकन रैली में जुलूस के शक्ल में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आए और हम लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे भाटापारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और मतदाता भारी जोश और उत्साह का जो माहौल देखने के से लग रहा है कि 25,000 से भी ज्यादा मतों से विजय हासिल करेंगे। और कलडोल से संदीप साहू और इंद्र कुमार साहू भाटापारा से तीनों के नामांकन रैली में उपस्थित हुआ। जबरदस्त उत्साह लोगों में और लोगों ने ठाना है कि तीनों सीट भारी बहुमत से जीता के भेजेंगे।